નમસ્કાર, TV9 સમાચાર સાથે હું છું નરેન્દ્રસિંહ. લોકડાઉનને લઈને કેબિનેટ સચિવે મહત્વનું નિવેદન કર્યું છે. તેમણે કહ્યું છે કે લોકડાઉનની સમય મર્યાદા વધારવાનું નથી આયોજન. રાજીવ ગૌબાએ લોકડાઉન વધારવાના અહેવાલોને નકાર્યા છે. કેન્દ્ર સરકારના સચિવ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે લોકડાઉન વધારવાનું હાલ કોઈ આયોજન નથી. લોકડાઉન વધારવાના જે અહેવાલો છે તે ખોટા છે તેમ સચિવ રાજીવ ગૌબાએ જણાવ્યું છે. અને લોકડાઉનનો સમય વધારવાને લઈને કોઈ આયોજન કરાયું નથી. તો આજ વિશે વધુ જાણકારી આપવા જોડાયા છે અમારા સંવાદદાતા રજનીશ રંજન. રજનીશ, જીસ પ્રકાર સે રાજીવ ગૌબાને એ જો સ્ટેટમેન્ટ દિયા હૈ ઉસકો કિસ પ્રકાર સે લિયા જા સકતા હૈ? देखिए, कैबिनेट सचिव का ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है और उन्होंने कहा है कि अभी तक सरकार ने फैसला नहीं लिया है, तय नहीं किया है कि जो लॉकडाउन 21 दिनों का प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था उसको और आगे एक्सटेंड किया जाए या नहीं किया जाए. सरकार ने अभी इस पर फैसला नहीं लिया है क्योंकि 21 दिन का जो समय है वो पूरा होने में अभी लगभग 2 हफ्ते का समय बचा हुआ है और अभी से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है. राजीव गौबा इसलिए ये बातें बता रहे थे क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और कुछ न्यूज चैनल्स पे सरकार के हवाले से इस तरह की खबरें दी जा रही थी, उसको उन्होंने खंडन किया है. जहां पे भी ये खबर चलाई जा रही है अलग अलग माध्यमों से कि सरकार 21 दिनों के लॉकडाउन को और आगे बढ़ा सकती है, उस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है और जो लोग भी इस खबर को चला रहे हैं या इस खबर को कैरी कर रहे हैं वो गलत खबर है. तो सरकार की ओर से कैबिनेट सचिव का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि लॉकडाउन की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी, बल्कि उनका ये कहना है कि सरकार ने अभी तय नहीं किया है क्योंकि जो फीडबैक मिलेगा 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद जो डाटा आएंगे कि ये लॉकडाउन होने के बाद मरीजों की संख्या में, संक्रमित लोगों की संख्या में कितनी गिरावट आई है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो मंत्र है वो कितना कामयाब हुआ है. निश्चित तौर पर अगर बहुत कामयाबी मिलेगी, बहुत कम रिपोर्ट्स आएंगे तो हो सकता है सरकार इसको आगे बढ़ा दे, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. और सोशल मीडिया, टेलीविजन चैनल, कुछ अखबारों में इस तरह की खबरें आई थी उसको उन्होंने सीधे तौर पर खारिज कर दिया. शुक्रिया रजनीश जानकारी देने के लिए. તો કેન્દ્ર સરકારના સચિવ રાજીવ ગૌબાએ નિવેદન કર્યું છે કે લોકડાઉન વધારવાનું કોઈ આયોજન નથી. જે રીતે સોશિયલ મીડિયામાં વાત ફેલાઈ રહી છે તેને લઈને સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે.